स्टार्ट अबाउट क्वेश्चन आंसर सेशन. सो आप लोग उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, इफ यू कैन नॉट से इन द माइक या आप वो नहीं कर सकते तो देन यू कैन टाइप इट ओवर हियर. जी महा, कोई क्वेश्चन है आपका? No question. Madam, will we learn about treatment as well, about this? Yeah, any therapy, effective therapy or something? If you talk about treatment, you're talking about, actually treatment is more like behavioral treatment. They need behavior. Or the point over here is that I did not talk about other problems too, which are associated with ADHD. That include learning disabilities इनको हो सकती हैं. So इनके साथ related conditions और बहुत ज़्यादा थे. Sensory processing disorder, learning difficulties इनको, जैसे for example dyslexia, dyscalculia इनको इनके साथ हो सकता है. अब देखते हैं कि किस बच्चे के अंदर कौन सी problems आता है. Okay? फिर हमने ये देखना होता है कि हम इनके कौन से behavior में वो चीज़ affect हो रही होती है, कहाँ पर affect होती है. So क्या उनकी impulsivity, क्या उनकी hyperactivity education में affect हो रही है? Because इनका ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये तो स्कूलिंग में जा रहे होते हैं, दे आर गोइंग टू नॉर्मल स्कूल्स. इट्स नॉट लाइक ऑटिज्म के, ऑटिज्म के बच्चों को तो, उन बेचारों को तो मौका ही नहीं मिलता स्कूल के अंदर एडमिशन लेने का. इनके तो माइलस्टोन प्रॉपर तरीके से फुल पूरे हुए होते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट कि हमारे पास जब बच्चे आएंगे तो हमारे पास किस प्रॉब्लम के साथ आते हैं. दे वुड से कि बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड, उनका उन्होंने इस तरह से प्रॉब्लम का बताया था कि प्रॉब्लम बच्चे की ये कि बच्चे को मारता बहुत है, बहुत ज्यादा इश्यूज है, ये लड़ाई बहुत करता है, वो चीज़ बहुत करता है, ये चीज़ बहुत करता है. सो इट्स मोर लाइक दैट कि इनके इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, इनके बिहेवियर प्रॉब्लम किस चीज़ में मैनिफेस्ट हो रहा है, इनकी हाइपर एक्टिविटी किस से मैनिफेस्ट हो रही है. फिर हमने उसके बिहेवियर को डायरेक्ट एक्चुअल करना होता है. एंड दैट स्टिल डिपेंड अपॉन दैट कि उनके बिहेवियर में या उनको इस चीज़ ने कितना अफेक्ट, उनकी ADHD को कितना अफेक्ट किया जा रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक ओवरऑल ट्रीटमेंट बतानी होती है. इट्स नेवर लाइक दैट. इट्स नॉट जनरल ट्रीटमेंट. इट्स मोर लाइक दैट कि इस बच्चे की ADHD कहाँ अफेक्ट हो रही है. इज इट इधर इट्स अफेक्टिंग इन हिज लर्निंग, क्या लर्निंग अफेक्ट हो रही है, क्या वो डिसलेक्सिक हो चुका है, क्या उसको पढ़ाई में इश्यू हो रहा है, या बिहेवियर इशू अगर उसको हो रहा है तो उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही. तो फिर हमने जो ट्रीटमेंट करनी होती है, द ट्रीटमेंट इज मोर लाइक डायरेक्टेड टूवर्ड दैट थिंग. क्योंकि शायद आपको आइडिया भी हो कि हम बात करते हैं IEP की, तो इनका भी IEP ही होता है. इनके भी हमें प्लान बनाने होते हैं और इनकी भी प्रॉपर हमें असेसमेंट करनी होती है, प्रॉपर जो इनका डायग्नोस्टिक हमारे साइकोडायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, उसके बाद हमें इनका ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है. सो इट्स मोर लाइक दैट. ट्रीटमेंट इज टोटली 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 पर्सन, चाइल्ड और चाइल्ड या पर्सन बेस्ड, वट एवर इट इज. बिकॉज मैंने कहा ना, गर्ल में तो, क्योंकि आज हम गर्ल की बात करें, तो गर्ल्स में तो जो सिम्टम हमें बॉयज में नजर आते हैं, तो हमें गर्ल में नजर भी नहीं आते. ओके, वो उसका जो हम बाकी बोले. जी कार्डिट, थैंक यू सो नाइस फॉर यू. अच्छा ये बताएं, अगर बच्चे में डायग्नोज नहीं कर सकते या सम हो, अगर वो एडल्ट बन जाते हैं तो फिर ये डिजीज कैरी ऑन होती है एडल्ट में भी? यस इट इज ऑल डिसऑर्डर्स, इट्स नॉट डिजीज, इट इज एक्चुअली डिसऑर्डर. और उसमें भी हमें जब हम काम करते हैं, अगेन आई टोल्ड यू दैट द ट्रीटमेंट इज पर्सन बेस्ड, पर्सन के ऊपर बेस करती है. फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ एडल्ट जिनको जिनको ADHD है, उनके अगर रिलेशनशिप मुतासर होते तो फिर मैं रिलेशनशिप में काम करूंगी. अगर उनकी एजुकेशन मुतासर या उनका वर्क प्लेस मुतासर हो रहा है उनकी प्रॉब्लम की वजह से, देन आई विल वर्क, जो मेरा ट्रीटमेंट प्लान होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा. जो मैं उसको स्ट्रेटजीज बताऊंगी वो उसके अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग होगी, उस इन्वायरमेंट में उसको कैसे अप्लाई करना है, या जो इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं या जो इमोशंस का इजहार होता है वो उसके पर्सन के अकॉर्डिंग होता है. सो यस इट विल कैरी ऑन टू दैट अडल्टहुड एज वेल. वो खत्म नहीं होती, इट्स सेम लाइक अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या अदर फिजिकल प्रॉब्लम दैट अ चाइल्ड हु हैव ADHD, हु हैव ऑटिज्म, हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज और हु हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट द चाइल्ड विल टेक दोज डिसऑर्डर एंड विद हिज अडल्टहुड टू, वो अडल्टहुड तक उसकी जाती है. बोले आई विल लेट अदर पीपल टू आस्क, थैंक यू सो मच. कोई इशू होता है. ओके सो ओवरकम टू द इंपल्सिविटी, आपने द पॉइंट ओवर हियर इज दैट इंपल्सिविटी आप
मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक स्पेसिफिक चीज मुझ तक नहीं आती मैं उसका जवाब नहीं दे सकती, बट एज फार एज इम्पल्सिविटी इज कंसर्न, इम्पल्सिविटी किस में आ रही, देखिए इनमें ये समझाना बात हमारे लिए बहुत मुश्किल समझा होता है कि हम जब बात करते हैं तो हमने उसको एक्सप्लेन भी करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा कहेगा कि इम्पल्सिविटी एक बच्चे के लिए अलग है दूसरे बच्चे के लिए इम्पल्सिविटी अलग होती है, इवन इन देम बिहेवियर, अगर इवन बिहेवियर की बात करें बिहेवियर किस फॉर्म में आ रहा है, किस चीज में इम्पल्सिविटी बच्चा कर रहा है, द मोर यू थिंक इज दैट इफ यू टॉक अबाउट थोड़ा चीजों को बार बार करना या उसमें अगर आप उस बच्चे को थोड़ा फिजिकली एक्टिव कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू दैट. कि हर चीज में अपनी मर्जी करना. ओके लेट मी द थिंग इज दैट यू नीड टू ड्रॉ ओवर हियर, यू नीड टू ड्रॉ व्हाट यू कुड से इज बाउंड्रीज ओवर हियर एक्चुअली, कि आपने बाउंड्रीज करने, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट बिहेवियर तो आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिकॉज द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अपने बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी होती है, दैट what are the consequences of not following the commands, what are the consequences of, what if you are doing something and you are asking your child something, like for example kya consequence hai, hum bachche ke sath reasoning karte hain, you have to give the reasoning for the child why you are studying, what is your answer for that to the child, what about eating, okay aap ye karoge main ye karungi, aap ye karo main ye kar rahi, you know jaise wo kuch log bargaining cheez kar rahe the, but the point over here is that children need to understand that what is the consequence of what we are doing, पढ़ाई हम क्यों करते हैं, हम क्यों सोते हैं, हम क्यों खेलते हैं, हम क्यों ये काम करते हैं, यू नो, सो यू नीड टू गिव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थिंग के जो भी आप डिमांड करें उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप मुझे कोई थोड़ा सा वो बता देंगे, कोई छोटा सा इंसिडेंट बता दें फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बता सकते हो. माय डॉटर सेड डीएचडी शी, मेरा आपकी जो बच्ची है उसकी एज कितनी है, so you are saying the child is 3 years old. अच्छा एक चीज और भी होती है, हम एक्चुअली हर चीज को नेगेटिव फॉर्म में समटाइम लेना शुरू कर देते हैं कि ये चीज नेगेटिव है, बच्चा ये चीज क्यों कर रहा है, बच्चे को चीज नहीं करनी चाहिए, बच्चे को चीज नहीं करनी चाहिए, so point over here is that I have concern if someone has, अच्छा point over here is that कि I have only 1 minute left, so क्या आप लोग दोबारा इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके बहुत लंबे लंबे रिस्पॉन्स मुझे देने पड़ेंगे, so would you be kind enough to join this session again, isko dobara join kar lete hain.